अचानक शैबानी खान ने ख्वाजा याहिया की तरफ रुख किया और पीर साहिब, इन अय्याशों के मुर्शिद, आप तो ख्वाजा एहरार के फर्जंदे अर्जमंद हैं जो खुद को वली कहा करते थे। उनकी रूहानी ताकत से ताजदारों को सहारा मिला करता था, लेकिन आपके वालिद मोहतरम ने वो जो बेहिसाब दौलत जमा की थी वो क्या ईमानदारी से कमाई हुई दौलत थी? हमें मालूम है कि आपको विरसे में ढेरों सोना मिला था। इसी सोने के बलबोते पर आप पूरे 11 बरसों से समरकंद को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। मछली के सड़ने की इब्तदा उसके सर से होती है, जैसा पीर वैसे मुरीद। ये नौजवान जिनाकार मिर्जा सुल्तान अली, ये आप ही का मुरीद है। आपने खुदा के सामने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, इसका हाथ अपने हाथ में थामा है। फिर शैबानी ने अपनी उंगली से पहले सुल्तान अली और बाद में ख्वाजा याहिया की तरफ इशारा करके उसका रुख फर्श की तरफ कर दिया। और वहां नीचे एक और बदकारा बैठी हुई है, वो शर्मो हया को बालाए ताक रखकर यहाँ शहर की तलाश में आई है। तो ऐसे पीर हैं आप? आपने अपने मुरीद सुल्तान अली के साथ गद्दारी की। आप तो चाहते थे कि समरकंद बाबर के हवाले कर दें, और ये मुरीद अपने पीर से गद्दारी करके मेरे पास आ गया। वाह रे शहर, हर तरफ गद्दार ही गद्दार, अयार ही अयार। एक इधर खींचता है तो दूसरा उधर, एक दूसरे को कच्चा खा जाने को तैयार है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद दीनी रहनुमा भी थे, बादशाह भी थे और सिपा सालार भी। जो रसूल खुदा के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलता, वो उसी पीर और उसी मिर्जा की तरह कुफर के कार में जा गिरेगा। शैबानी खान ने यह बात अपने कुछ जिद्दी मुकर्रबीन को मद्देनजर रखते हुए कही थी, जो चोरी छुपे बुड़बड़ाते रहते थे। हमारे खान सिर्फ तख्तो ताज ही से मुतमईन नहीं हुए, इन्होंने तो अपने इमाम और खलीफा होने का भी ऐलान कर दिया। शैबानी मावरन नहर के हालात का अरसे से मुसलसल मुशाहिदा कर रहा था और बखूबी जानता था कि ख्वाजा एहरार जैसे लोगों की ताकत बढ़ने से हुकूमत कमजोर हो जाती है। उसका ख्याल था कि वो अपनी सल्तनत में इस किस्म की सूरतेहाल हरगिज हरगिज न पैदा होने देगा। बुखारा के मदरसे में हुसूल तालीम के दौरान वो शरीयत और तरीकत से बखूबी वाकफियत हासिल कर चुका था, और अब उसके मुकर्रबीन में एक भी शख्स ऐसा न था जो अहदीस से खान के बनिस्बत बेहतर वाकफियत रखता हो और जो खान से ज्यादा मुतासिर कुन अंदाज से कुरान की तिलावत कर सकता हो। वो सोचता था, मजहब के बगैर जो कबायली सरदारों और आम कबायलियों को मुत्तहिद और उसके इर्द गिर्द इकट्ठा रखने वाली कुव्वत है, खान और सिपा सालार की हैसियत से उसकी वक़्त ही क्या। लेकिन उसके हुक्म बरदार और ताकतवर लश्कर के बगैर इमाम और खलीफा की हैसियत से उसे क्या अहमियत हासिल हो सकती है? इसीलिए सिपा सालार और खलीफा एक ही शख्स को होना चाहिए। समरकंद में हमारे दुश्मन हफ्त सर अजदहे की तरह ताकतवर हैं। कैसे कैसे सूरमाओं को शिकस्त दे चुका है ये अजदहा, लेकिन हमारे मंसूबे और इरादे पाक और नेक हैं। इस अजदहे को खुद अल्लाह ताला ने इस इरशाद के साथ हमारे हाथों में दे दिया है, जो मर्जी हो करो। अल्लाह ताला के हुक्म से अजीम समरकंद के दरवाजे जंग के बगैर ही हमारे लिए खुल गए हैं। खान के मुकर्रबीन पर अब कहीं जाकर रोशन हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी फतह हासिल की है। वाकई समरकंद, अजीम समरकंद जंग के बगैर ही हथियार डाल रहा है। खुद शहर का हुक्मरान और दीनी रहनुमा दोनों के दोनों सर झुकाए हुए शैबानी खान की खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुकर्रबीन के दिलों में ख्याल आया, अल्लाह बेशक कादिर मुतलक है और शैबानी खान सच्चा मुजाहिद और अल्लाह का महबूब बंदा। जभी तो वो इतने दुश्वार काम को ऐसी दानिशमंदी और कामयाबी के साथ अंजाम दे सका। अब्दुर्रहीम ने नारा बुलंद किया, हमारे मुकद्दस इमाम को उम्र हजार साल नसीब हो। दूसरे लोग भी फौरन ही उठ खड़े हुए, सिकंदर सानी जिंदाबाद, खलीफा का हजार बार शुक्रिया, मुजाहिद खलीफा ताअबद जिंदा और सलामत रहें। सुल्तान अली और ख्वाजा याहिया भी खड़े हो गए। दोनों के चेहरे मारे खौफ के फक हो गए थे और खड़े रहना सख्त दुश्वार साबित हो रहा था। खौफ की वजह भी थी, शैबानी खान के बस जबान हिलाने की देर थी और उसके रफका उन समरकंदियों के टुकड़े टुकड़े कर डालते। खान के इशारे पर तहसीन सताइश का ये तूफान थम गया और सब लोग दोबारा अपनी जगहों पर बैठ गए। तब शैबानी ने सुल्तान अली और ख्वाजा याहिया की तरफ उंगली उठाई, इन्हें अगर तड़पा तड़पा कर हलाक कर दिया जाए तो ये कोई गुनाह की बात ना होगी, लेकिन हम एक बार फिर दुनिया को दिखा देंगे कि दीनो इंसाफ की राह पर चलने वालों की ताकत कैसी होनी चाहिए। ये ताकत है हमदर्दी की, मेहमानों का खून ना बहाया जाएगा, इनकी जांबख्शी की जाती है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इकसात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। ये सुनते ही सुल्तान अली और ख्वाजा याहिया, जो जिंदा रहने की आस पूरी तरह खो चुके थे, गुलामाना अंदाज में झुक कर कोर्निश बजा लाए। अब न सुल्तान अली का तकब्बुर बाकी रह गया, न ही ख्वाजा याहिया का वक़ार। पीर की तो आंखें भी नमनाक हो गईं। खुदा आपकी उम्र दराज करे आलीजा। अरे जरा ठहरो तो,
शैबानी खान ने बुलंद आवाज से कहा, ख्वाजा यहया, खुद गरज ईमान को फरामोश कर बैठने वाले, तुझे तज़किया नफ्स के लिए हज करने जाना होगा। जरूरी सामान लेकर अपने दोनों बेटों के साथ रवाना हो जा। कोपक बे, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह शख्स कल सुबह से कबल ही रवाना हो जाए। जो हुक्म अजीम खान। हाँ, और ये नौजवान मिर्जा। शैबानी खान ने सुल्तान अली पर निगाहें मरकूज करते हुए अपनी बात जारी रखी, हमारे फर्जंद की तरह रहना चाहता है। ठीक है, गुमराह हो जाने वाले को सिराते मुस्तकीम पर वापस लाना कार्य सवाब है। तैमूर खान, तुम इसे अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लो। खान के गठे हुए जिस्म वाले बेटे ने सुल्तान अली पर हकारत भरी नजर डाली, लेकिन बाप का हुक्म बहरहाल पत्थर की लकीर था और उसने ताजीमन सर झुका लिया। ये नेक साबित हुआ तो इनाम पाएगा, शैबानी ने मजीद कहा, और बद साबित हुआ तो अपना सर गंवा बैठेगा। समझने वाले समझ गए कि अब सुल्तान अली की आखिरी घड़ी दूर नहीं, और अब जहरा बेगम की किस्मत का फैसला होना था जो निचली मंजिल पर मुकय्यद थी। शैबानी खान जहरा बेगम के हुस्न जमाल की तारीफें अरसे से सुनता आ रहा था, और एक बार तो ये फैसला कर भी लिया था कि उससे निकाह करके कुछ दिनों के बाद तलाक दे देगा, लेकिन उसने जहरा बेगम को चंद अशआर समेत जो खत भेजा था उसमें इस बात का जरा भी इशारा नहीं दिया था कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उसे अपनी बेगम बनाना चाहता है। शैबानी खान चाहता था कि अपनी खूबसूरती पर नाजा ये समरकंदी बेवा इस ख्याल में खोई रहे कि वो दर हकीकत खान के दिल की मलिका और शरीक जिंदगी बनेगी। आज जहरा बेगम को देखकर शैबानी को मायूसी हुई थी, लेकिन दरअसल ये मायूसी ही उसके दिल की वाहिद कैफियत न थी। खान के दिल को नदामत से मिलती जुलती एक कैफियत भी परेशान किए हुए थी, क्योंकि उसने अपने अशआर और खत के जरिए जहरा बेगम को बहकाया था। दूसरे लफ्जों में उसे फरेब दिया था, दगा की थी। उसके लिए ये बड़ी अहम बात थी कि उस वक्त दीवान खास में सुल्तानों ने जहरा बेगम का तज़करा नफरत और हकारत के साथ किया था, गोया कि वो अपने खान को जहरा बेगम की बदकिरदारी और आलूदा दामनी का यकीन दिलाना चाहते हों। उसका दिल पुरसकून हो गया। जहरा बेगम खुद ही गिरी हुई औरत निकली, वो तो है ही दगा की मुस्तहक। खान ने सोचा, बेशक मैं सुल्तानों को यह मौका न दूंगा कि उसे सजाए मौत दे दें, हरगिज नहीं, लेकिन सुल्तानों के साथ मेरा इत्तेहाद मुझे हर शय से, हत्ता कि ऐसी औरत से भी ज्यादा अजीज है जो सही मानों में पैकरे हुस्न हो। जहरा बेगम दोबारा शादी करना चाहती थी, मैं इस मामले में अपने कौल पर पूरा उतरूंगा, उसके लिए खामिन तलाश कर दूंगा। शैबानी खान की नजर एक फरबा अंदाम चीचक ज्यादा शख्स पर जा ठहरी जो मुअज्ज़ज़ शाही मुकर्रबीन की जगहों से काफी हट कर बैठा हुआ था। हाँ, मंसूर बख्शी जहरा बेगम के लिए मौजूं खामिन था। वो कोई दौलतमंद सुल्तान न था, लेकिन फौजी मुहिमों में हिस्सा लेने के साथ ही साथ जादू टूने से इलाज भी किया करता था। वो जोर जोर से दफ बजा बजा कर मरीजों पर से भूतों का साया उतारना भी जानता था, और गालियां दे देकर उन्हें खाइफ करना भी। इसीलिए उसका नाम हवा पड़ गया था। उसके अलावा वो अपनी गैरमामूली हद तक जारहाना मर्दानगी के लिए भी बदनाम था, जिसे उसकी कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। उसकी बीवियां साल दो साल बाद या तो उसके घर से भाग खड़ी होती थीं, या फिर दुनिया ही से सिधार जाती थी। अरे मंसूर बख्शी, बीवी के मामले में एक बार फिर आपकी किस्मत फूटी निकली, सच है ना? शिवानी ने हवा सुल्तान से पूछा। नीचे जो औरत बैठी हुई है ना, वो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, उरूसी लिबास में आई है, हम आपका अक्द उसी से क्यों ना करवा दें। हवा की बाछें खिल उठी, वो उछल के अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सर को बहुत ज्यादा खम करके कॉर्निश बजा लाया। मोहतरम हुक्मरान, मेरे बही खा, मेरी जान आप पर कुर्बान, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। दीवान खाने की फजा सबके कहकहों से गूंज उठी। सारे के सारे सुल्तान खुश हो गए कि शैबानी खान ने ये गुत्थी भी बड़ी दानिशमंदी से सुलझा दी। हमारे इमाम ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया, आफरीन, इस अक्ल व फरासत का क्या कहना, क्या ही कहने। ओ, कितना झगड़ेगा मंसूर हवा, जारा बेगम को अपनी बाहों में, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। शैबानी के होंठों ने जुम्बिश की और दूसरे ही लम्हे हंसी मजाक का सिलसिला खत्म हो गया। अक्द समरकंद में होगा, हम शहर में बाकायदगी से दाखिल होंगे। खान, जो कई बार समरकंद जा चुका था, शहर से बखूबी वाकिफ था। उसने बहुत पहले ही सोच लिया था कि उसके दस्ते शहर में कैसे दाखिल होंगे और कहां कहां तैनात होंगे। दस्ता सालारों को वाजे अहकाम दिए गए, लश्कर को तैयार किया गया, और शैबानी खान के 5,000 सिपाहियों ने चार राह दरवाजे से बड़ी तेजी के साथ शहर में दाखिल होना शुरू किया। एन उसी वक्त उस दरवाजे से बिल्कुल मुखालिफ समत में वाक़े सोजन गरां दरवाजे से सैकड़ों लोग शहर को छोड़कर भागे जा रहे थे। बाबर शहर सरसब्ज में था और उसके हिमायती तेजी से शहर सरसब्ज की तरफ बढ़ रहे थे। भाग खड़े होने में कामयाबी सभी को न नसीब हुई। बहुतों को सवार रफ्तार घोड़ों पर सवार शैबानी के लश्करियों ने जा लिया,
जी भर के लूटा और जिसने जरा भी मुजाहमत की उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। रात होते ही कत्लो गारत गरी में खास तौर पर शिद्दत पैदा हो गई, जिससे शायद सिर्फ ख्वाजा यहया की शानदार हवेली ही महफूज रही। उस पर तमाम शब कोपक बे के सिपाही पहरा देते रहे। हिफाजती दस्ता जिसकी क्यादत ये किचाकी सुल्तान खुद ही कर रहा था, देखता रहा कि ख्वाजा यहया ने दोनों बेटों और मोतबर आदमियों की मदद से सोने से भरे हुए संदूकों को अलग अलग जगहों से निकाल निकाल कर दूसरे सामान के साथ एक जगह ढेर कर रहा है। सुबह को ख्वाजा के नौकरों ने 5 ढके हुए अराबों और कोई 10 ऊंटों पर ये सारा सामान लाद दिया। ख्वाजा यहया की तीनों बीवियां खचाखच भरी उन्हीं घोड़ा गाड़ियों पर सवार हो गईं। नौकरों ने ऊंटों की नुकेलें संभाल ली। मुहाफिजीन ख्वाजा यहया और उसके दोनों बेटों ने घुड़सवारों के एक गिरोह की सी शक्ल इख्तियार कर ली और इस तरह ये पीर जिसका कल तक तूती बोलता था समरकंद को उदासी के साथ अलविदा कहके जुनूब की समत रवाना हो गया। लेकिन ये कारवां तंग कोहिस्तानी दर्रे से आगे ना बढ़ सका। कोपक बे ने शाम के झटपटे में दरिया के किनारे रात का पड़ाव डालने से कबल ही पीर उसके बेटों और निजी मुहाफिजों का उन सभी आजमीन हज का काम तमाम कर दिया। सिर्फ औरतों नौकरों और सामान को उसने अपने सरदारों और सिपाहियों में तकसीम किया। खास दौलत जो उसके हाथ लगी थी उसका निसफ हिस्सा उसने उसी रात शैबानी के खजाने में पहुंचा दिया, जिसने ख्वाजा यहया को लोगों की नजरों से दूर ले जाकर कत्ल कर देने का हुक्म दिया था। सुल्तान अली को इस कत्ल गारत गरी का इल्म हुआ तो वो समझ गया कि उसका हशर भी यही होगा और उसने हर कीमत पर भाग निकलने का फैसला कर लिया। और एक रोज उसे खजा के दबीज गहरे से फायदा उठाकर अपने दो मुहाफिजीन के साथ समरकंद कले के मशरकी दरवाजे से चुपचाप फरार हो जाने में कामयाबी भी हासिल हो गई। वो तेज घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ पंचगेंद की समत भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो भी ज्यादा दूर तक न जा सका। समरकंद से कोई 10 फरसंग के फासले पर दरियाए सैयाब के किनारे तैमूर खान ने मफरूर को जा दबोचा और बाद में निकम्मे का सर मुजाहिद खलीफा शैबानी की खिदमत में पेश कर दिया गया। जाहरा बेगम के पास, जो उस वक्त तक मंसूर बख्शी से अपनी शादी की अव्वलीन ठोकरों का जायका चख चुकी थी, बेटे की बेसर मैयत लाई गई तो उसने बड़ी दिलदोज चीख मारी, अपने कपड़े फाड़ डाले, सर को बार बार पीटती रही और चेहरे को नौच नौच कर लहूलुहान कर लिया। फातिहीन देख देख कर हंसते रहे, क्योंकि जीतने वालों के लिए हारे हुए दुश्मन के दर्द गम का नजारा हर शय से ज्यादा बायस मसरत होता है। खिजां की हवाओं के जोर से दरिया का पानी अपने ऊपर गिरी हुई पत्तियों की चादर को अपने साथ ही लिए जा रहा था। तकरीबन 250 मुसल्ला घुड़सवारों ने समरकंद के जनूब मशरक में कोई 20 फरसंग के फासले पर पत्तियों से ढके जर्द जर्द से नजर आते हुए दरियाए जर्रफशां को पार कर लिया। वो तेजी और चौकसी के साथ इस बात की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कि शोरोगुल पैदा ना हो सैयाब की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में कोई गाँव पड़ता था तो वो या तो कतरा कर या फिर खामोशी के साथ गाँव से होकर ही निकल जाते। जो देही बाशिंदे रास्ते में मिलते थे वो खुद ही उनकी नजरों से दूर छुप जाते थे, क्योंकि वो उन घुड़सवारों को शैबानी खान के सिपाही समझ बैठते थे जिन्होंने सारे इलाके में दहशत फैला रखी थी। लेकिन साफ जाहिर हो रहा था कि खुद उन घुड़सवारों पर भी शैबानी के लश्कर की दहशत तारी है। जब ये लोग तारीकी में सैयाब को पार कर रहे थे तो उनके कुछ घोड़े दलदली जमीन में फंस गए। सिपाहियों ने दबी दबी टटकारियों से उन घोड़ों को आगे बढ़ाने की, उन्हें कदरे ठोस जमीन पर खींच लाने की कोशिश की और खुद ही दलदल में फंस गए। सरकंडों की रगड़ से उनके हाथों और चेहरों पर खराशें पड़ गईं। एक सिपाही के लिए यह दुश्वार सूरतेहाल नाकाबले बर्दाश्त हो गई और उसके मुंह से बुलंद आवाज से गाली निकल गई। दूसरे ही लम्हे किसी रोबदार आवाज ने सरजनिश की, अरे चीख क्यों रहा है, सबके सरों पर मुसीबत नाजिल करना चाहता है क्या? ये आवाज बाबर की थी। सिपाही गिड़गिड़ाने लगा, माफ फरमाइए हुक्मरान, कमबख्त घोड़ा किसी तरह टस से मसी नहीं होता। दरिया में गर्म चश्मों का पानी आके मिल जाता था, जिसकी वजह से सर्द रात में भी इससे भाप उठ रही थी। इस भाप और तारीकी की बिना पर दलदली और ठोस जमीन में इम्तियाज करना मुश्किल हो रहा था। बाबर ताखीर नहीं कर सकता था, इसलिए पुरअज़्म लहजे में कहा, बहुत हो चुका, इन घोड़ों को यहीं छोड़ देना चाहिए। कासिम बेग ने ताईद की, जिनके पास घोड़े ना रह जाएंगे उन्हें मैं अपने फालतू घोड़े दे दूंगा। दर्रों को पार करते वक्त कितने ही घोड़े और ऊंट काम आ गए थे, लेकिन मेरे घोड़े ने उन सबको पार कर लिया। अब बेचारे को यहाँ जान देनी पड़ेगी। ताहिर ने अफसोस जाहिर किया, वो भी इसी दस्ते में शामिल था। इस वक्त तो हमारे सर पर मौत खेल रही है। बाबर ने जवाब दिया, ताहिर उन घोड़ों में से एक पर सवार हो गया जिनकी लगामें कासिम बेग का असलहा बरदार थामे हुए था। दूसरे दो सिपाही खुशकिस्मत साबित हुए, उन्हें बाबर के कदम बाजों पर सवारी करने के लिए
मौका मिल गया जो उसके घोड़ा बदलने के लिए दस्ते के साथ थे। इस जगह के बाद फिर कहीं भी घोड़ों पर तरस खाने की नौबत न आई। समरकंद का फासला बहुत कम रह गया था, शहर के पास तक बहुत तेजी से पहुंचना जरूरी था, लेकिन चुपचाप, क्योंकि शैबानी खान के आदमी उन लोगों को पहचान लेते तो तहलका मच जाता। दुश्मन का सारा लश्कर सफारा हो जाता और उस लश्कर से बाबर के टक्कर ले सकने का अभी कोई सवाल ही नहीं उठता था। बाबर ने सारा मौसम गर्मा कोहिस्तानी इलाकों में सफर करते गुजार दिया था। वो शहर सरसब्ज से हिसार गया, वहां से जरअफशां के मंबे तक और फिर दरियाए फान के किनारे किनारे चलता रहा। समरकंद के बेग अपने सिपाहियों के साथ हिसार के फरमारवा खुसरो शाह से जा मिले। अंदजान से जो लोग बाबर के साथ आए थे उनमें से ज्यादातर क्याम की जगहों में जल्दी जल्दी की जाने वाली उन तब्दीलियों से, जो बज़ाहिर किसी किस्म की कामयाबी की उम्मीद भी नहीं दिला रही थी, तंग आकर वादिय फरगाना को वापस लौट गए थे। ये बात भी काबिले तवज्जो थी कि शैबानी खान के मुखबरों ने उसे मुत्तला कर दिया था कि बाबर के फौजियों की तादाद रोज बरोज घटती जा रही है। शैबानी को यकीन हो गया कि बाबर अब उसके पास सिपाही कितने ही रह गए थे, कोई 1,000, कि बाबर अब कोहिस्तानी इलाकों के दुश्वार हालात को झेल न सकेगा और या तो अंदजान लौट आएगा या फिर अपने चचा अलाचा खान के यहाँ पना लेने की कोशिश करेगा, जो असीक कोल झील के उस पार किसी इलाके का हुक्मरान था। खान ने सोचा कि बाबर बहरहाल उस पर हमला करने से रहा, क्योंकि उसके पास बाबर की फौज से 5 गुना बड़ा लश्कर मौजूद है, जो जल्द ही बढ़कर और भी बड़ा हो सकता है। उसने लुटे हुए समरकंद में अपने 500 लश्करी छोड़ दिए और खुद बाकी तमाम फौज के साथ समरकंद के मगरिब में कुछ फासले पर वाक़ मकाम ख्वाजा दीदार जाकर वहीं पड़ाव डाल दिया। बाबर ने बड़े पुरखतर काम का बीड़ा उठाया था। तय किया था कि वो ऐसी सूरत हाल में, जबकि शैबानी को हमले का जरा भी अंदेशा नहीं, समरकंद पर अचानक टूट पड़ेगा और शैबानी के सर पर मौजूद होने के बावजूद शहर पर काबिज हो जाएगा। शैबानी को किसी भी लम्हे इस बात की इत्तला मिल सकती थी। सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन हो सकती थी अगर शैबानी खान अपने मुखबरों की फराहम करदा इत्तला के बाद ये चाल चलते हुए, गोया कि उसे कुछ मालूम ही नहीं, बाबर को उसके मुट्ठी भर लश्करियों के साथ शहर तक आ जाने देता और तब अपनी पूरी ताकत से हमलावर हो जाता। फिर खुद शहर के अंदर भी बाबर के दुश्मनों की ताकत बाबर की अपनी ताकत से ज्यादा ही थी, और अगर बाबर शैबानी खान के हाथ लग जाता तो कतान जिंदा नहीं बच सकता था। जिंदा तो बस वही सिपाही और बेग बच सकते थे जो खान की चाकरी बजा लाने को तैयार हो जाते, क्योंकि ये सभी को मालूम था कि सुल्तान अली के ज्यादातर बेगों को उसने अपने लश्कर में शामिल कर लिया है और मावरन नहर में एक नए शाही खानदान की दागबेल डालने के मुतमन्नी इस मुजाहिद खलीफा ने आले तैमूर को नीस्तो नाबूद कर देने की कसम भी खा रखी थी। बाबर पर यह सब वाज़े था, इसलिए उसने तहैया कर लिया था कि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक जंग करता रहेगा। कुछ भी हो जाए, खुद को जिंदा खान के हाथ न लगने देगा। उसके दस्ते ने तारीकी में कई नदियों, चश्मों और पानी से भरी हुई खंदकों को पार किया, मौसम खिजां के सुनसान बागात से गुजरा और बिलाखिर उल मगाक तक पहुंच गया, जो समरकंद की फसील से बिल्कुल करीब ही वाक़ था। बाबर ने 2 रोज कबल अपने कुछ मोतबर सिपाहियों को यहाँ भेज दिया था, जिन्होंने फसील पर चढ़ने के लिए लंबी लंबी सीढ़ियाँ तैयार कर ली थी। उस वक्त कोई 80 सिपाहियों ने अपने घोड़ों से उतर कर उन सीढ़ियों को उठा लिया और दबे पांव पैदल चलते हुए कराड़े की तरफ चले गए। बाकी सिपाही और खुद बाबर छुपते छुपाते फिरोजा दरवाजे तक पहुंचे और उसके सामने वाले टीले पर खड़े हुए दरख्तों के साए में छुप गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक दूर से आती हुई मुर्गों की अव्वलीन बांगे सुनाई दी। रात के घने काले काले बादल फसीले शहर के ऐन ऊपर मुअल्लक थे, जिनकी वजह से फसील साफ नजर नहीं आ रही थी और कहीं ऊपर की तरफ जाती हुई लगती थी। कासिम बेग, जो हमेशा की तरह उस वक्त भी बाबर के साथ था, तेजी के साथ सांसें ले रहा था। खुद बाबर को भी अपने जिस्म में झुरझुरी महसूस हो रही थी। समरकंद की फसील 4 माह कबल ऐसी ही एक तीरा उतार रात थी, जब बाबर फसीलों के करीब पहुंचकर ख्वाजा यहया के फाटक खोल देने का इंतजार करता रहा था। उन लोगों को देख लिया गया था, उन पर तीर बरसाए गए थे और उन्हें अपने जख्मियों की आहोबोका और दुश्मनों की तंजिया चीखों के दरमियान मजबूरन लौट जाना पड़ा था। फरेब, दगा, घात, छुपकर हमला, मौत, अपनों और गैरों की मौत, उसकी जिंदगी ऐसे सिपा सालार और सियासतदान की जिंदगी जिसने मावरन नहर को दोबारा मुत्तहिद करने का अज़्म कर रखा था, इसी सब पर तो मुश्तमिल थी। बाबर नहीं चाहता था कि एक बार फिर दुश्मनों के जाल में फंस जाए और शहर के अंदर मौजूद उसके हामियों को मायूसी का शिकार होना पड़े, इसलिए उसने फसील के पास अपनी आमद की किसी को भी खबर नहीं होने दी थी।
उसने खुद अपने और अपने दलेर सिपाहियों के ऊपर ही भरोसा करने का फैसला किया था।